हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ढोसा का बैटर बनाना बता रही हूँ। ये साउथ इंडियन डिश है, इसे पूरे देश में सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सामग्री की ज़रूरत है। एक बड़ी कटोरी चावल, एक छोटी कटोरी उड़द का दाल। अगर आपका चावल 1 केजी है तो आपको 250 ग्राम उड़द की दाल की जरूरत होगी, मतलब कि 1/4 चौथाई आपका चावल है तो 1/4 आपको दाल की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को और दाल को अलग अलग बर्तनों में फूलने के लिए डाल दें। ये आप 24 घंटे के लिए इन दोनों को फूलने के लिए डाल दें। उसके बाद अच्छे तरीके से इन्हें धो लें। चावल में आपको अरवा चावल का ज़रूरत होगा। इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे अकेले अकेले ग्राइंड करें, चाहे आप चाहें तो एक साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैं आपको ग्राइंड करके बता रही हूँ। मैं अलग अलग इसे ग्राइंड करूंगी। चावल को पीसने के साथ पीसने टाइम आप इसमें हल्का पानी डाल दें, जिससे आपका बैटर अच्छा हो और ये चावल जल्द से ग्राइंड हो जाए। अब हमारा चावल ग्राइंड हो चुका है। दोस्तों, याद रखें, ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। अब मैं आपको दाल को ग्राइंड करके दिखाती हूँ। अब मैं दाल को ग्राइंड करने जा रही हूँ। अब हमारा दाल भी ग्राइंड हो चुका है। इसमें हम पीसे हुए चावल को डालकर एक बार फिर से मिला लेंगे। ये मिक्सर में डालकर आप अच्छे से मिला दें ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब हमारा ढोसे का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ना ये ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतला। इस बैटर को हम 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए लिखें। ये वीडियो आप खुद देखें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।